Hello students, now today I teach you about simple machines. Machine तो बहुत देखी है आपने, ये freezer, inverter, geyser, heater, ये सब क्या machines? I'm talking about simple machines. Machine or we can say simple machine, it is a device that makes our work easier by applying force in a particular direction. Simple machine, it is a device that makes our work simple. क्या बना देते हैं सिंपल, या हम यूज कर सकते हैं वर्ड easier. Simple machine is a device that makes our work easier by applying force. In a particular direction. ये क्या है? एक डिवाइस है जो हमारे काम को बना देते हैं आसान. वो कैसे? फोर्स अप्लाई करके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके हमारे काम को सिंपल बनाते हैं. सिंपल मशीन क्या है? एक डिवाइस है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके हमारे काम को बना देते हैं सिंपल. ओके, एग्जाम्पल्स जैसे कि लीवर. Incline the plane. Wheel and axle. Screw. Okay, lever, pulley. All of these are simple machines. Lever, inclined plane, screw, wheel and axle, pulley, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी क्या है? सिंपल machines. What is lever? Lever is a simple machine. Lever is a rod or bar. Lever क्या है? कोई rod या फिर bar. Rod कैसे होते हैं? Cylindrical in shape. और bar कैसे होते हैं? Rectangular in shape. तो लीवर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी. लीवर इज अ रोड और अ बार. लीवर कोई रोड है, रोड या फिर कोई बार. दैट टर्न्स अबाउट अ पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम. ये एक रोड या एक बार है जो मूव करती है. किसके अबाउट? एक पॉइंट के अबाउट ये मूव करती है. जिस पॉइंट के अबाउट ये मूव करती है उसको हम कहते हैं फल्क्रम. ओके, लीवर के बेसिकली थ्री पार्ट होते हैं. लीवर हैज थ्री पार्ट्स. लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट. लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट. एफर्ट मीन्स ताकत लगाना. एफर्ट मीन्स फोर्स. और फोर्स किस पर अप्लाई करेंगे? लोड. ये लोड क्या है? वेट. लोड क्या है? कोई भी वेट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने उठाना है. ओके, लोड क्या है? वेट. लोड मींस वेट. और एफर्ट क्या है? फोर्स, जो हम ताकत लगा रहे हैं. और हम ताकत किस पर लगाएंगे? वेट पर. हम फोर्स किस पर लगाएंगे? लोड पर. और फल्क्रम वो पॉइंट है जिसके अबाउट क्या होती है? मूवमेंट. ओके, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीवर? टाइप्स ऑफ लीवर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास लीवर. इन सभी में आप
आपको तीन चीज मिलेंगे, लोड, फलक्रम, एफर्ट। एफर्ट मीन्स फोर्स लगाना, ताकत लगाना। किस पर लगेगा? वेट पर। लोड मीन्स वेट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हैवी, उसको उठाना है। लोड मीन्स जो ऑब्जेक्ट हमने उठाना है, ठीक है ना, या कोई भी भारी भरकम चीज है। फलक्रम वो पॉइंट है जिसके अबाउट रोड या बार मूव करेगी। वो रोड और बार कौन है? लीवर। ओके, फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, एक लॉजिक याद करें, फ्ली, फ्ली, फ्ली। यहां इन तीनों में बीच में कौन आएगा? फलक्रम। यहां पर फलक्रम होता है लोड और एफर्ट के बीच में, और यहां लोड सेकंड क्लास लीवर में लोड होगा मिड में। मिड में कौन होगा? यहाँ फलक्रम। सेकंड क्लास में मिड में कौन होगा? लोड। और थर्ड क्लास में एफर्ट होगा मिड में। इस बात को माइंड में रख लें। ओके बेटा, इस तरह से किस तरह से होगा स्ट्रक्चर? जैसे लीवर है, लीवर मूव करता है। लीवर, आपने सीसो झूला देखा? सीसो देखा होगा। तो ये देखो, एक तरफ क्या है? वेट। एक तरफ क्या है? वेट, वेट यानी लोड। एक तरफ क्या है? लोड है। दूसरी और एंड पे क्या लगा रहे हैं? यहाँ कोई भी पर्सन बैठता है या हाथ से उसको डाउन करता है तो वो फोर्स लगा रहे, ताकत। यहाँ एक बच्चा बैठा और बैठते नीचे गया, और ये रोड का दूसरा सिरा जब यहाँ कोई सेंड पे बैठेगा तो नीचे होगा, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एफर्ट, ताकत, है ना। देखो यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा तो ये नीचे चला गया, ये रोड नीचे हो गई। तो अब इसको इक्वल करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स, ताकत लगाना पड़ेगा। ताकत लगानी पड़ेगी यानी एफर्ट। यहाँ पे क्या होगा? एफर्ट, एफर्ट लगेगा, ताकत लगेगी। तो ताकत लगेगी नीचे की ओर, तभी तो बैलेंस बनेगा। ये जो लोड की वजह से रोड का ये एंड नीचे चला गया, अब ये ऊपर कब आएगा? जब यहाँ फोर्स लगेगा इस ओर। देखा आपने, सीसो झूला होता है, एक तरफ एक बच्चा बैठा हुआ है, तो इसको ऊपर करने के लिए यहाँ पर या तो आपको बैठना पड़ेगा या कुछ और हैवी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा या एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब जो रोड, जो बार है सीसो में, जो मूवमेंट हो रही है, इस पॉइंट के अबाउट हो रही है। अप डाउन, अप डाउन, ये जो हो रहा है किसके अबाउट हो रहा है? पॉइंट के अबाउट। वो पॉइंट क्या है? फलक्रम। दैट पॉइंट इज फलक्रम। ओके बेटा, ये पॉइंट क्या है? फलक्रम। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल क्या है, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है? सी सी सा, सी सा झूला होता है ना, एक सी सा क्या होता है? एक झूला होता है। ओके, और एग्जाम्पल की बात करें, सीसा झूला बिल्कुल इसी तरह का देखने में होता है। फलक्रम जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हो रही है वो कहा? बीच में। प्लायर, प्लायर क्या होता है? प्लास। प्लायर क्या होता है? प्लास। प्लास देखा आपने? देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होती है। यहां से तो कोई भी लोड बीच में ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट बीच में ले लेते हैं, है ना, कोई नहीं ले लो, कुछ भी ले लो। और यहाँ पर हम इसके हैंडल पकड़ के फोर्स लगाते हैं, और इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हो रही है, सारा काम, सारी मूवमेंट इस पॉइंट के अलोंग हो रही है ना, इस पॉइंट के अबाउट। तो ये पॉइंट क्या हो गया? फलक्रम। यहाँ क्या हो गया? वेट, लोड, लोड लिख देते हैं। वेट क्या होता है? लोड, लोड कहते हैं ना, लोड बढ़ गया, लोड, इलेक्ट्रिसिटी का लोड, लोड यानी वेट, लोड यानी वेट। और यहाँ क्या लग रहा है इस एंड पर? एफर्ट, फलक्रम बीच में। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा इसमें हम, और भी एग्जांपल है। सीजर्स, सीजर्स कैची, सीजर कैसी होती है? सीजर, सीजर कैसी होती है? वो भी कुछ ऐसी होती है ना, यहां से पकड़ते हो, एक तरफ क्या लगा रहे हो आप? एफर्ट, अपनी ताकत लगा रहे हो। और इस ओर जो कपड़ा काट रहे हो वो वेट हो गया, वो क्या है? लोड। और बीच से आपकी सीजर्स मूव करते हैं, वो पॉइंट क्या हो गया? फलक्रम। देखो, सीसो में बीच में है फलक्रम, प्लायर में, प्लास में भी बीच में फलक्रम, सीजर्स कैंची में भी बीच में क्या है? फलक्रम। अब बात करते हैं लोड की। लोड में मिड में क्या आएगा? सॉरी, लीवर में मिड में क्या आएगा? लोड। ये कैसे होगा? सेकंड क्लास लीवर जब लोड मिड में आएगा, ये देखो, ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर दिखा दिया हमने। अब फलक्रम जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होगी वो मिड में नहीं, मिड में कौन है? लोड। मिड में कौन है? लोड। तो सपोज जहां मूवमेंट होनी, हमने ये पॉइंट क्या ले लिया? फलक्रम। ये पॉइंट क्या है? फलक्रम। ओके बेटा,
ठीक है, ये पॉइंट क्या है, फलक्रम, और इसमें किसी पॉइंट पर बीच में क्या हो गया, लोड, मिड में क्या होगा, लोड। अब इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल क्या ले सकते हो, नट क्रैकर, नट गिरी तोड़ने के लिए होता है ना नट क्रैकर, या बोतल ओपनर, बोतल ओपनर, जो बोतल को ओपन करे, देखो कैसा होता है बोतल ओपनर, कुछ ऐसा होता है। अब इसमें बोतल का ढक्कन आ गया, लिड आ गया, है ना। तो ये जो पॉइंट है फिक्स्ड है बाहर, ये जिसके अबाउट मूवमेंट हो रही है, ढक्कन में फंसाकर बोतल ओपनर का जॉइंट इसमें फंसाकर ढक्कन में ऐसे लग कर रहे हो, ये क्या है, फलक्रम, ये क्या है, फलक्रम। और ये जो ढक्कन है बोतल का, बोतल क्या है, वेट है ना, ये क्या है, लोड, लोड क्या है, बीच में, और ये क्या है, इस एंड पे क्या लग रहा है, एफर्ट, ताकत लगा रहे हो। क्लियर बेटा, ये देखो बोतल, ये क्या है, बोतल का ढक्कन, बोतल ओपनर इसमें लगाते हो तो बीच में क्या आ गया, बाउंड्री क्या आ गई बोतल ओपनर की, ये राउंड राउंड फलक्रम, और अंदर ढक्कन आ गया, वो ढक्कन क्या है, लोड, और जहां आप ताकत लगा रहे हो वो पॉइंट क्या है, एफर्ट। तो ये हो गया बोतल ओपनर। नट क्रैकर कैसा होता है, नट क्रैकर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नट क्रैकर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है नट क्रैकर का, इसको हम बोलेंगे फलक्रम, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, एफर्ट, और यहाँ पर कोई भी आपकी गिरी है, नट रखा हुआ आपने, सपोज बादाम की गिरी है, तो बादाम है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, यहाँ क्या लगा रहा है, एफर्ट। और ये फिक्स पॉइंट क्या है इस नट क्रैकर में, ये नट क्रैकर में फिक्स पॉइंट क्या है, फलक्रम, ये फिक्स पॉइंट क्या है, फलक्रम, फिक्स पॉइंट फलक्रम है, ठीक है, यहाँ से एफर्ट लगा रहे हो, यहाँ फलक्रम है, और ये जो आपका यहाँ पर ड्राई फ्रूट है वो क्या हो गया, लोड, तो लोड कहाँ गया, बीच में, बोतल ओपनर, नट क्रैकर, यहाँ मूवमेंट, इस यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, जहां पे एफर्ट लगा रहे हो ना यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, सीधा क्या है, ये फलक्रम ही है जिसके अबाउट आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो बोतल ओपनर तो आप सबने देखा होगा एफर्ट में, अच्छा यहाँ फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड लग रही है, ऊपर की ओर ताकत लगाते हैं हम, यहाँ भी देखो अब क्या है, एफर्ट आएगा मिड में, सपोज ये फिक्स पॉइंट ये, तो हमने अगेन फलक्रम ही मान लिया, फल क्रम जिसके अबाउट मूवमेंट होते हैं उसे हम फलक्रम बोलते हैं, मिड में कौन आएगा, यहाँ क्या था, लोड, ये क्या था, लोड था, ठीक है। अब लोड मिड में नहीं आएगा, अब मिड में आएगा एफर्ट, मिड में क्या आएगा, एफर्ट, और यहाँ क्या आएगा, लोड, ये क्या आ गया बेटा, लोड कॉर्नर में, ठीक है। अब देखो फलक्रम, एफर्ट, लोड, ठीक है, फोर्स लग रहा है, यहाँ एफर्ट लग रहे हैं अपवर्ड, फलक्रम फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होगी, और मिड में कौन आ रहा है, हमारा एफर्ट। अब इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा देती हूँ, स्टेपलर, ये स्टेपलर है, ठीक है, इसमें आप कोई भी चीज ऐसे रखते हो, रखते हो ना, तो ये क्या हो गया, वेट, पेपर रखते हो मेनली, वैसे तो आप पेपर रखते हो, ये क्या है, पेपर इसमें रखा, तो पेपर क्या हो गया, वेट है ना, वेट है, लोड है, और ये फिक्स पॉइंट एंड में है, ये क्या है, जिसके अबाउट मूवमेंट हो रही है, फलक्रम, ये फिक्स पॉइंट क्या है, फलक्रम, ये फिक्स पॉइंट क्या है, फलक्रम, ओके। और एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ से एफर्ट लगाते हो, पकड़ के स्टेपलर, बीच से, तो यहाँ क्या, बीच में क्या लग रहा है, एफर्ट, देखो ये पॉइंट जहां से ये दोनों मूव कर रहे हैं, ये फिक्स पॉइंट क्या हो गया, फलक्रम, और जहां हम सामान रख रहे हैं, जिसको पर हम काम कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या हो गया, लोड, और बीच में क्या लगा रहे हैं हम, एफर्ट। ऐसे ही फोर्सेप्स, स्टेपलर और फोर्सेप्स, देखो जैसे हेयर प्लग कर, प्लग करना है कुछ, ठीक है, या कोई चीज सेपरेट करनी है, तो फोर्स कहां से लगाते हैं, यहां से, एफर्ट कहां लग रहा है, यहाँ, यहाँ एफर्ट। और कोई भी चीज पकड़नी है, कहां से पकड़ोगे, यहां से, तो ये क्या, लोड, लोड कहां गया, एंड में, एक एंड में लोड, और देखो फिक्स कहां से है, ये यहाँ होती है मूवमेंट, नहीं यहाँ से, तो फिक्स है, दोनों सिरे यहाँ जुड़े हुए हैं,
जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो ये क्या है, फलक्रम, यहां मैं क्या लगा रही हूं, एफर्ट, और ये क्या है, यहाँ आ गया है फ्रंट में लोड। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, स्टेपलर और फोर्सेप्स। ठीक है, प्लकर, ये सारे एग्जाम्पल आ गए इसमें, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास लीवर। फ्ली, क्या लर्न करोगे, फ्ली, फलक्रम मिड में आएगा, लोड मिड में आ जाएगा, एफर्ट मिड में आएगा। ये लीवर है क्या, लीवर कोई बार या रोड है, रोड है तो शेप होगी सिलेंडर की जैसी, और बार है तो रेक्टेंगुलर शेप होगी, रेक्टेंगुलर ही है, जनरली रेक्टेंगुलर मिलेगी, या आपको सिलेंड्रिकल भी मिल सकते हैं। फलक्रम बीच में है, यहाँ फ्ली, फलक्रम बीच में, ली, लोड बीच में, ई, एफर्ट बीच में, फ्ली, एफ एल ई फ्ली, एफ एल ई फ्ली, फर्स्ट क्लास में एफ बीच में, सेकंड क्लास में एल बीच में, थर्ड क्लास में ई, फ्ली। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर इसका, यहाँ फलक्रम, यहाँ लोड, यहाँ एफर्ट आ रहा है बीच में। फर्स्ट क्लास लीवर जैसे सीसो और प्लायर, फलक्रम होगा बीच में, नट क्रैकर और बोतल ओपनर, फलक्रम होगा साइड में, और लोड आएगा इनके बीच में। ओके, थर्ड क्लास स्टेपलर, फोर्सेप्स या फिश को पकड़ने के लिए जो फिशिंग नेट होता है उसमें भी फलक्रम साइड में होता है, एफर्ट बीच में लगाना पड़ता है और एक तरफ आ जाता है लोड, तो फिशिंग नेट भी लिख सकते हैं, फिशिंग नेट भी आ जाता है इसमें, और फोर्सेप्स भी जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। देन नेक्स्ट इज एक और इम्पोर्टेंट भी हम इसमें करेंगे, वेज, वेज इज ऑल्सो क्या है, सिंपल मशीन। ठीक है ना, देन नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन क्या है, एक सिंपल मशीन है, इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल मशीन है जो ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में या डाउन करने में, नीचे से ऊपर चढ़ाने में, ऊपर से नीचे उतारने में काम में लाया जाता है। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन जो है एक ऐसी सिंपल मशीन है जो ऑब्जेक्ट्स को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे उठाने में यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई होम है, वो हाइट पे है, यहाँ से कोई स्कूटी या बाइक चढ़ानी है ऊपर, तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या आता है, इंक्लाइंड प्लेन, इजिली क्या होगा, गाड़ी ऊपर मूव कर जाएगी अंदर। आपने देखा है कोई ट्रक है, ठीक है, कोई ट्रक है, अब इसमें भी क्या होता है, वो अपना पिछला पार्ट खोलते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन क्या निकल के आता है, इंक्लाइंड प्लेन, नीचे ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आएगा ये, और फिर इसमें कोई भी सामान एक तो वैसे उठा के डाला जाए और एक रोल करके डाल दे, जैसे सिलेंडर डालना है ट्रक में, सिलेंडर फिल करने हैं तो क्या करेंगे, उनको रोल रोल करके इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ा देंगे, मींस लोअर प्लेस से अपर प्लेस पर, नीचे वाले प्लेस से ऊपर वाले प्लेस पर कुछ ले जाना है तो बहुत इजिएस्ट वे इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, और ऊपर से नीचे कुछ लाना है तो भी क्या यूजफुल है, इंक्लाइंड प्लेन, मीन्स लोअर से अपर प्लेस पर या अपर से लोअर प्लेस पर ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए क्या काम आता है, इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर बेटा, इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल्स हैं स्लोप और रैंप, देखा है आपने हीरोइंस को, रैंप वॉक, ठीक है, रैंप स्लोप होते हैं ऐसे, रैंप जगह जगह रैंप होते हैं, कोई भी चीज इजिली नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाई जा सकती है, और आपने मेट्रो स्टेशन तो देखा है, वहां पर भी आपने देखे होंगे रैंप। ओके बेटा, दे मेक आवर वर्क सिंपल। देन नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन से मिलता जुलता है वेज, वेज क्या है, वेज इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन, वेज भी क्या, सिंपल मशीन जो हमारा काम सिंपल बनाती है। देर आर टू इंक्लाइंड प्लेन्स, वेज में क्या है, टू इंक्लाइंड प्लेन्स, वेज में क्या, टू इंक्लाइंड प्लेन्स, जैसे कि एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और इसी में क्या है, एक और इंक्लाइंड प्लेन इससे अटैच्ड है, दो दो इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा ही ऐसी ही होती है कुछ, एक्स कुल्हाड़ी, एक्स एग्जांपल क्या हो गए वेज की, एक्स नाइफ, नाइफ भी कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है ना,
ये भी इंक्लाइन प्लेन है, वो भी इंक्लाइन प्लेन है, और दो इंक्लाइन प्लेन कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे वहां से, और शार्पन एज शार्पन किनारा हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन, यहाँ से चीज अच्छे से कटेगी, ठीक है ना। वेज एक सिंपल मशीन है, जैसे कि एक्स यूज करते हो कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, ट्री कट करने है, कोई भी चीज है उसको कट करना है, ठीक है। और नाइफ देखा होगा आपने, जो बिल्कुल एंड होता है वहां पर कितना शार्प होता है और बाकी जगह से थिक होता है ना, तो वहां पर भी क्या होता है, दो इंक्लाइंड प्लेन, दो इंक्लाइंड प्लेन आपस में मिलेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर सामने आएगा, ये हमारे काम को सिंपल बनाता है। वेज मीन्स एक सिंपल मशीन है जो दो इंक्लाइन प्लेन से बनी है। दीज टू इंक्लाइन प्लेन, टू इंक्लाइन प्लेन आर अटैच्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। द नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सिल, व्हील एंड एक्सिल, ये व्हील और एक्सिल क्या चीज है, व्हील पहिया और एक्सिल उससे जुड़ी हुई रोड, ये व्हील और एक्सिल एग्जांपल से समझो, कहां देखें आपने व्हील और एक्सिल, कहां देखें व्हील और एक्सिल, साइकिल में देखें आपने, कहां पर देखें हैं, साइकिल में देखें, इन साइकिल, व्हील और एक्सिल क्या यूज किए जाते हैं, साइकिल में, मेनली साइकिल के टायर्स के साथ कनेक्टेड होते रोड, और सीविंग मशीन, सीविंग मशीन सिलाई मशीन जो होती है उसमें भी देखो टायर होता है, आपने देखा है टायर, सभी ने देखा है ना, और टायर से एक रोड कनेक्ट होते है, देखी होगी आपने, मूवीज भी देखी है और आपने टोंगास को भी देखा होगा, तो एक रोड होती है जो व्हील से कनेक्ट होती है, जब ये व्हील है और ये क्या है एक्सिल, ये क्या है व्हील एंड दिस इज एक्सिल, एक्सिल इज अ रोड, एक्सिल इज अ रोड एंड व्हील, यू कैन सी दिस इज अ व्हील, और जब व्हील रोटेट करेगा तो एक्सिल भी रोटेट करेगी और हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सिलाई मशीन में भी यही पैटर्न होता है, देखा है सिलाई मशीन में कुछ, ये थोड़ा इस तरह से दिखता है आपको, इसके ऊपर एक और स्पॉट मिल जाता है, इसको पकड़ते हो घुमाते हो तो उसमें व्हील भी घूमता है कपड़े सिलते हुए, सिलाई मशीन में देखा उसे, एंड में होता है ऐसे ऐसे रोटेट करते हो, एक्सिल एक्सिल अटैच्ड है व्हील से, व्हील रोटेट करेगा तो एक्सिल भी रोटेट करेगी, तो ये हमारे काम को सिंपल बनाता है। ये साइकिल में भी होता है, ये सिलाई मशीन में भी होता है। देन पुली, पुली क्या है, पुली इज ऑल्सो अ व्हील, पुली भी क्या है एक व्हील ही है एक तरह के, जो काम को सिंपल बनाती है, और ये जो पुली होती है ये ऊपर किसी किसी स्पोर्ट के साथ फिक्स्ड की जाती है, और इसके एक ऊपर से एक रोप, कोई वायर रस्सी को पास किया जाता है, एक तरफ क्या होता है लोड होता है और एक तरफ क्या लगाया जाता है एफर्ट लगाया जाता है, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पुली काम को आसान बनाती है। ये कहाँ यूज की जाती है जनरली, फ्लैग, फ्लैग पोल्स, देखा आपने 26 जनवरी या 15 अगस्त पर आपने नोटिस किया हो कि जब फ्लैग लहराया जाता है तो पहले वो बंद होता है, एक पुली अटैच होती है, जब हम उसको स्ट्रिंग को रस्सी को खींचते हैं तो वो पुली पर से रोटेट करते धीरे धीरे पूरा फ्लैग खुल जाता है, तो फ्लैग पोल्स में, फ्लैग पोल्स में भी पुली को यूज किया जाता है। और क्लोथ्स लाइन, क्लोथ्स लाइन में भी यूज किया जाता है, आपने देखा होगा क्लोथ्स लाइन में जैसे कर्टेन्स हैं, कर्टेन्स को पुली से अटैच करते हैं, कर्टेन को एक तरफ से रस्सी खींचेंगे एफर्ट लगाएंगे, कर्टन क्या होगा ऊपर उठता चला जाएगा, कर्टन लोड का काम कर रहा है, पुली की हेल्प से कर्टन ऊपर कर रहे हैं या कर्टन डाउन कर रहे हैं, ऐसे फ्लैग अप, पुली की हेल्प से फ्लैग डाउन लहरा दिया पुली की हेल्प से, कर्टन अप पुली की हेल्प से, कर्टन डाउन पुली की हेल्प से, ओके ये आपने देखा होगा जरूर। तो पुली जो है किसी फिक्स स्पॉट से ऊपर से अटैच है और पुली के ऊपर से क्या पास करवाई, कोई मजबूत रस्सी स्ट्रिंग रोप, ठीक है, एक तरफ लोडर, इधर ये एफर्ट बहुत ही कम लगाना पड़ता है, ये हमारे काम को बहुत ही इजी बनाती है। और बेटा आपने वेल में भी तो देखा होगा, वेल कुएं, गांव में देखा होगा आपने कुएं, कुओं में जो पानी लेकर आया जाता था वहां कुएं में भी क्या लगी होती है जगह जगह, इसी तरह की
व्हील लगी होती है एक तरफ लोड ये बकेट और दूसरी ओर क्या लगाया जाता है एफर्ट जो बहुत ही कम लगाना पड़ता है तो पुली हमारे एफर्ट को कम कर देती है पुली क्या कर देती है हमारे एफर्ट को कम कर देती है ओके ये वेल है पुली हमारे एफर्ट को कम कर देती है ठीक है फोर्स को कम कर देती है देन नेक्स्ट इज स्क्रू स्क्रू क्या है व्हाट इज स्क्रू स्क्रू इज लाइक अ नेल इट लुक्स लाइक अ नेल स्क्रू किसकी तरह दिखता है नेल की तरह दिखता है ठीक है इट हैज वाइंडिंग एज कॉल्ड थ्रेड इस पे एक लिपटी हुई जैसे एक थ्रेड लिपटा होता है वैसा इसका स्ट्रक्चर है आई विल शो यू स्क्रू दिस इज स्क्रू इट लुक्स लाइक नेल कील के जैसा बट ये कील से ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा यूजफुल है क्योंकि वो इतनी मजबूती से वॉल में या किसी सब्सटेंस में फिक्स नहीं होता जितनी मजबूती से ये होता है और वॉल ही नहीं नेल को तो कमी जगह यूज करते हैं इसको बहुत जगह यूज किया जाता है ये देखो स्क्रू इज लुक लाइक अ नेल ये किसकी तरह दिख रहा है एक नेल की तरह इट हैज वाइंडिंग एज कॉल्ड थ्रेड इसके एजेस देख रहे हो किनारे देख रहे हो शार्पन जैसे कि थ्रेड को इस पर रोल कर दिया गया इन्हें हम क्या कहते हैं थ्रेड इट इज वाइंडिंग लिपटी एजेस हैं इसके किनारे जैसे इन्हें हम क्या कहते हैं थ्रेड ये क्या है थ्रेड जैसे नेल को तो डायरेक्ट ऐसे इंसर्ट करते हैं इसको इंसर्ट करते हैं ऐसे रोल करते हुए किसी भी चीज में और फिर ऐसे निकालते जैसे इयररिंग्स हैं इसमें भी क्या यूज होता है स्क्रू सोफाज चेयर उनमें भी यूज होता है स्क्रू ठीक है और जैक में भी यूज होता है स्क्रू और बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो एक ट्रायंगुलर पेपर लें हम और एक पेंसिल लें और उसके अराउंड रैप करते जाएं तो हम बना सकते हैं स्क्रू स्क्रू मेक्स अवर वर्क सिंपल और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट में इंसर्ट हो जाता है ओके अब ये सिर्फ जो इयररिंग है अगर नेल यूज होता है यहाँ पर प्लेन अगर ऐसी वाइंडिंग एज स्क्रू के जैसी यहाँ ना होती तो कोई भी तो ये इजिली इयररिंग्स गिर जाएंगे लेकिन ये टाइटली हेल्ड है ना मजबूती से बने हुए हैं गिर नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ स्क्रू तो स्क्रू जो है इसकी ग्रिप बहुत ही स्ट्रांग है नेल की ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी के स्क्रू की ग्रिप स्ट्रांग है ग्रिप स्ट्रांग है ठीक है तो बहुत ही टाइटली ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करेगा और काम को इजी बनाएगा स्क्रू जैक में भी इसको स्क्रू को यूज किया जाता है स्क्रू कुछ कैसा दिखाई देता है और इसमें क्या दिखेंगी इस तरह की वाइंडिंग एजेस जिन्हें हम क्या कहते हैं थ्रेड और कैसा दिखता है कील के जैसा और इसकी वाइंडिंग एज क्या है थ्रेड और ये क्या इसकी ग्रिप कैसे इसकी पकड़ कैसे स्ट्रॉन्ग इट हैज स्ट्रॉन्ग ग्रिप इसकी ग्रिप कैसी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत पकड़ है मजबूती के साथ जो है फिक्स हो जाता है कहाँ यूज होता है इन स्क्रू जैक्स कहाँ यूज होता है स्क्रू जैक्स में चेयर्स में यूज होता है ज्वेलरीज में भी यूज होता है ठीक है तो ये क्या इसके इम्पोर्टेंट यूजेस आई होप इज इट क्लियर टू यू दिस इज ऑल अबाउट मशीन्स